हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले प्रॉक्सिमिटी सेंसर के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये जो आप देख सकते हो ये है हमारा प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ क्या है? तो सबसे पहले ये जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ये नॉन कॉन्टेक्टिंग सेंसिंग डिवाइस है, जो कि यहाँ पे कुछ ये सामने ऐसे एलिमेंट आता है तो ये सेंस करता है और अपने को सिग्नल देता है। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे ये जो आगे वाला एरिया है, ये आगे वाला पोर्शन पूरा सेंसिंग एलिमेंट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दो प्रकार के प्रॉक्सिमिटी सेंसर हमको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले कैपेसिटिव रहता है और इंडक्टिव रहता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वो जो है इंडक्टिव टाइप है। और इंडक्टिव टाइप जो किस प्रकार के एलिमेंट को सेंस करता है, तो फ्रेंड्स इंडक्टिव टाइप में उसको नाम से ही हम लोग समझ सकते हैं कि जो कि सामने ऑब्जेक्ट आता है वो मेटल की चीज़ रहती है। मेटल की चीज़ में ब्रास, कॉपर, एल्युमिनियम कुछ भी हो सकता है। और भी कुछ प्रकार देखने को मिलते हैं, जैसे कि 2 वायर सेंसर, 3 वायर सेंसर, 4 वायर सेंसर, 5 वायर सेंसर। तो हमें 5 वायर तक वो सेंसर देखने को मिलते हैं जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर के अंदर आते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज के ऊपर भी उसका टाइप्स हो जाता है। एसी में चलने वाले प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी हमें देखने को मिलते हैं और डीसी में चलने वाले भी देखने को मिलते हैं फ्रेंड। तो ये जो हम लोग देखने वाले हैं वो डीसी 6 वोल्ट टू 36 वोल्ट की अपना ये वाला प्रॉक्सिमिटी सेंसर चलता है फ्रेंड। तो अगले वीडियो में हम लोग सभी प्रकार के सेंसर के बारे में बात करने वाले हैं। तो वन बाय वन एक एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर का कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करते आगे बढ़ते, तो इसके ऊपर अब आगे बात करते हम। 3 वायर का ये हमारे पास अभी सेंसर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्लू वायर है, ब्राउन वायर है और ब्लैक वायर है। तो हमको फ्रेंड्स यहाँ पे ब्लू वायर पे ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पे इसकी यहाँ पे स्टिकर लगा रहता है जिस पे लिखा रहेगा कि ये कितने वोल्ट पे चलता है। तो ये फ्रेंड्स 6 से 36 वोल्ट तक चलता है। ओके फ्रेंड, तो इसका नेम प्लेट यहाँ पे आपको फोटो में दिख जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग ब्राउन पे 24 वोल्ट डीसी देना है, यहाँ पे 0 वोल्ट डीसी देना है, ठीक है फ्रेंड। तो जब भी ये सेंसर चलेगा तो ये आउटपुट यहाँ से ये ब्लैक में से देने वाला है हमको, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ से एक बात आती है कि ब्लैक में आउटपुट क्या आएगा। तो फ्रेंड, इसके अंदर प्रॉक्सिमिटी सेंसर के अंदर दो प्रकार के हमें सेंसर देखने को मिलते हैं, जिसमें एक NPN टाइप रहता है और दूसरा PNP टाइप रहता है। तो फ्रेंड्स, NPN मतलब क्या है? पहला N और दूसरा P मतलब इसका एक खुद का सप्लाई, जो कि ब्लू और ब्राउन का वायर है, ये दो उसके खुद के सप्लाई है, ठीक है, ये दो वायर। और बाकी पे यहाँ पे ब्लैक पे हमको आउटपुट लेना है। तो आउटपुट पे जो लास्ट वाला लिखा हुआ टेक्स्ट जो कि P या फिर N रहेगा, तो P लिखा रहेगा तो पॉजिटिव आउटपुट आएगा, मतलब PNP में पॉजिटिव आउटपुट हमको यहाँ पे 24 वोल्ट डीसी मिलेगा जब ये एक्टिव होगा, जब सेंसिंग यहाँ पे वो सेंस करेगा। और जब NPN रहेगा तब ये यहाँ पे ऐसे सेंस करेगा, तब ये ब्लैक में से हमको नेगेटिव मिलने वाला है। नेगेटिव मतलब यहाँ से हमें 0 वोल्ट डीसी मिलेगा। अभी आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इसको यूज़ करने के लिए 24 वोल्ट का डीसी रिले लेना है, और रिले को ये PNP रहेगा, सेंसर PNP रहेगा, तो ऑलरेडी आपको 0 वोल्ट रिले को दे देना है और यहाँ से ये ब्लैक वायर को रिले के अंदर डालना है। तो उसके अंदर रिले के अंदर 13 और 14 पिन नंबर रहता है, वहाँ पे 14 पे आप लोग 0 वोल्ट डीसी पहले से दे दोगे और ब्लैक वायर को ले जाके रिले के 13 पे जोड़ोगे, तो अब ये यहाँ पे सेंसिंग एलिमेंट जो एक्टिव होगा, तो यहाँ से हमको 24 वोल्ट मिलेगा, तो वो रिले को 24 वोल्ट मिलेगा, तो रिले के पास उसका सप्लाई कंप्लीट हो जाएगा। 0 वोल्ट ऑलरेडी मिल रहा है, दूसरा 24 वोल्ट यहाँ से उसको ब्लैक वायर से मिलेगा। तो ऐसे हम लोग रिले और कॉन्टेक्टर्स अलग अलग लोड को ऑपरेट करवाते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स हमने इसके बारे में ऊपर से थोड़ा देख ही लिया है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा टेक्निकल डिटेल के अंदर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो अपना PNP टाइप सेंसर है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, ये -40 डिग्री से 200 डिग्री सेल्सियस तक काम कर सकता है अपने परफेक्ट एफिशिएंसी के हिसाब से, ठीक है फ्रेंड। और इसकी जो ये स्विचिंग करने की मैक्सिमम स्पीड क्या रहेगी, तो फ्रेंड्स ये 1 सेकेंड के अंदर ऐसे बार बार कितना सेंस कर पाता है,
तो फ्रेंड्स ये कई किलोहर्ट्ज़ के अंदर सेंस कर सकता है। जैसे लिमिट स्विच को हम लोग एक सेकंड्स के अंदर कितने सेंसिंग करवा पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3। इसके अंदर हम लोग 50 किलोहर्ट्ज़ तक सिग्नल्स ले सकते हैं, इतनी तेज ये काम करता है। ठीक है फ्रेंड, और मेन चीज़ ये है कि इसके अंदर कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है, इसीलिए इतना तेज़ काम कर पाता है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे आपको एक सवाल आएगा कि ये इतना तेज़ काम कैसे कर रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका जो एलिमेंट इसके अंदर है ना, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है कि 24 वोल्ट डीसी जा रहा है ना, यहाँ पे इंडक्शन टाइप का कॉइल जैसा रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेट बनता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट आता है, मेटल ऑब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पे एडी करंट लॉस की वजह से ये यहाँ पे कुछ सामने ऑब्जेक्ट आएगा तो उसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पे इसकी सर्किट ऐसी रहती है कि सामने ऑब्जेक्ट आने पे इसका करंट फ्लो बढ़ जाएगा, तो ये यहाँ पे आउटपुट देना चालू कर देता है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स इसका जो वर्किंग, इसका सेंसिंग कैसे होता है वो मैंने यहाँ पे बताया। तो और भी आपको इसके अंदर डिटेल में और जानना है कि इसके अंदर पूरा जो सेंसिंग एलिमेंट के सर्किट बनी रहती है वो कैसे काम करती है, तो उसके ऊपर से हम लोग पूरा अलग से वीडियो बनाएंगे फ्रेंड। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका ये जो सिलिंड्रिकल टाइप में, स्क्वायर के टाइप में और अलग अलग प्रकार के शेप में ये हमें देखने को मिलता है। ऐसा कुछ नहीं कि ये आप लोग देख रहे थे वैसा ही है, तो हम लोग यहाँ पे फ़ोटो लगा देंगे, उसमें से आप देख सकते हो कि ये किस किस प्रकार के फॉर्म में हमको मिलता है, एज़ पर अपना एप्लीकेशन मशीन में किस तरह का लग रहा है उसके हिसाब से कंपनी डिज़ाइन करके बनाती है। और फ्रेंड्स ये जो हमारे पास है अभी, ये कुछ ऐसे इसका पिन जो है हम लोग प्लग कर सकते हैं, जब इमरजेंसी में कुछ ये सेंसर ख़राब हो जाता है तो यहाँ से हम लोग पूरा वायरिंग खोलने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैं खोल रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये इस तरह से लगता है इसके अंदर, और इसका ये सॉकेट है फ्रेंड। और भी प्रकार आते हैं कैपेसिटिव टाइप के प्रॉक्सिमिटी सेंसर, तो उसके लिए हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे। फोटो सेंसर आते हैं उसके लिए भी अलग से वीडियो बनाएंगे, तो पूरा सीरीज में चलने वाला है। तो एंड स्क्रीन में आपको वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग आगे देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।